आज मेरे वार्ड के अंदर दो तीन दिन से मशीन चल रही है जो कि नाले का कार्य कर रही थी, और तिकोना पार्क से इंट्री मोड के लिए जो रास्ता जाता है वो रास्ता दो दिन से बिल्कुल एकदम ब्लॉक इन्होंने कर रखा है। जो जितनी भी कीचड़ है, गंद है, वो बीच रास्ते पे पटक रखी है, ना तो कोई वहाँ से निकल रहा है, ना कोई मोटरसाइकिल निकल सके, ना कोई पैदल आदमी निकल सकता, और सारा जितना भी गंद है सब दुकानों के और घर के सामने पड़ा है, यानी कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ कोई भी, ना तो कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से मैं इन्हें बता रहा हूँ, जेई को भी, हर चीज़ को, बोले भाई यही रास्ता खुलवाओ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई सुनने को तैयार है, ना ही कोई, मतलब इसका मालिक है नगर परिषद का, कोई मालिक नहीं है, बगैर मालिक के नगर परिषद हुई पड़ी है। 13 में जी वो जेसीबी नाला निकाल कर रोड पर गिर गई है, ना उसको उठाया गया है, ना कोई डोर टू डोर वाले उसमें सफाई का वो काम कर रहे हैं, और वहाँ से जेसीबी आज बुला ली गई है, और बिल्कुल खराब रोड हुआ पड़ा है, ना कूड़ा उठाते हैं, बिल्कुल वार्ड सिड़े पड़े हैं। तो आपने कोई लिखित शिकायत भी अधिकारी को दी थी? आप चेयरपर्सन शिकायत किसको दे जी, कोई है ही नहीं कमेटी में, अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं, कोई नहीं है, और ये ऐसा ही है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सारे, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। ठीक है, नाला जैसे सफाई तो कंप्लीट होगी जी पहले, इसके बाद हम तो मलबे को उठा भी रहे जी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। इसमें नाले की सफाई में लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दो पंप खत्म हो गए, लाखों का नुकसान तो ये जी, जैसे आप किसी ने फुटपाथ मढ़ा ही रखे ऊपर से, अब आप अवैध कब्जा करके आए, तो आप अवैध कब्जा हटाना लगा लो, चाहे नाला सफाई लगा बगैर, तो ढक्कन वगैरह हटाए, अतिक्रमण हटाए, तो नाले भी क्लीन नहीं हो सकते, क्यों नाले उन्होंने लोगों ने कवर कर रखे थे, अब नाले टूट ऊपर से टूट रही है, स्लेब टूट रही है लोगों की, तो वो लोगों का अतिक्रमण है जी, आप उसको नुकसान नहीं कह सकते, वो तो अपने हेड के ऊपर बनाते हैं जो बनाते हैं। नहीं, दो सबमर्सिबल भी खत्म हो गए, अभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं जी, जिसका हमारा मसला ये है कि पार्षदों का कोई काम नहीं हो रहा, सब जो है अफसर अपनी सहनशाही चला रहे हैं, कोई पार्षद का काम नहीं है, पब्लिक पार्षदों की लत्ता फाड़ रही है, और गली और कीचड़ और सफाई का भी कोई समाधान नहीं है, इससे आगे आने वाले भविष्य में पार्षद अपना इस्तीफा देने के लिए एग्री है, ये होगा जी, कमेटी में ताला लगा देंगे। हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमारे जो नगर परिषद में फिलहाल कार्य सारे रुके हुए हैं, आज से 4 महीना पहले मीटिंग हुई है, उनके काम अभी तक जो अप्रूवल होकर नहीं आए, पब्लिक में हम किस हिसाब से जाएं, क्या मुहले के जाएं कि हम क्या काम करा रहे हैं, पब्लिक में हम जाते हैं रोज़ाना, सभी की कोई ना कोई शिकायत है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा, गलियां हमने जो लिख के दी हैं, ना ही तो गलियों में आज तक कोई काम हो रहा, मेरा एक रिपेयरिंग का टेंडर जिसे कि आज 7 महीने हो गए हैं, रोजाना आज कल हो रही है कि अप्रूवल नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया, पता इस नगर परिषद का कोई वाली वारिस है या नहीं है। ठीक है, आज हम अधिकारियों से यही पूछना है, या तो हमारे काम हो, या हमारे इस्तीफा लो, या फिर हम इसमें ताला लगाएँ।